ग्वालियर में 25 दिसंबर को अटल स्मृति मंच द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर एक नाटक के मंचन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेरी यात्रा अटल यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये अटल जी के जीवन पर ग्वालियर में पहली बार हम इस तरह का कार्यक्रम देखने जा रहे हैं। ये नाटक की प्रस्तुति होगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे सामने स्वयं खड़े होकर जो स्पीच उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दी और भी बहुत सारी उनकी जो कविताएं हैं उनका जो उन्होंने कई जगह काव्य को प्रस्तुत किया उसके माध्यम से ऐसा लगे कि अटल जी स्वयं हम सबके सामने खड़े हैं। इसके कलाकार विपिन कुमार जी हैं, जिनके जो निर्देशक है वो चंद्रेश भूषण जी हैं। ये एक घंटे का पूर्ण रूप से रहेगा, मतलब एक घंटे पूर्ण रूप से केवल और केवल नाटक चलेगा। हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया है ग्वालियर में, सभी को, सामाजिक हो चाहे कोई पार्टी का हो चाहे वो प्रशासनिक हो, हमने सबको बुलाया है क्योंकि अटल जी किसी एक दल से नहीं कहेंगे, अटल जी सभी के थे और ग्वालियर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनके विचारों से सहमत ना हो, और जिसके विचार से दुनिया सहमत होती है तो इसका मतलब माना जाता है कि वो दुनिया का है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली होंगे। हम हर वर्ष एक आयोजन अटल जी के जन्मदिन पर करेंगे, ऐसी मेरी व्यक्तिगत इच्छा भी और हम सब ने भी तय किया है।